चलिए फ्रेंड्स, मार्केट से भी अच्छा मैं आपको बताती हूँ गुड़ और मूंगफली की चिक्की। कुछ ट्रिक को फॉलो कीजिए तो बहुत ही टेस्टी मार्केट की तरह आपकी चिक्की बन के तैयार होती है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड्स, और जाड़ों के मौसम में तो आपको गुड़ और मूंगफली बहुत ही फायदा करता है, तो आप इसे जरूर बनाएं। चलिए इसे बनाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता श्रीवास्तव अर्जुन किचन ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आप अपने परिवार के साथ इस त्योहार को एंजॉय करें। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ चिक्की, जिसे हम बनाएंगे मूंगफली और गुड़ से। तो चलिए इस रेसिपी को बिना देर किए हुए बनाना शुरू करें। कढ़ाई हमने गर्म कर ली है फ्रेंड्स, और इसमें डाल देते हैं मूंगफली। तो ये हमने ले लिया है 1 किलो मूंगफली है, तो इसको हम 2 बार में भून लेते हैं। जितना हम मूंगफली लेंगे फ्रेंड्स, उतना ही गुड़ लेंगे, इससे चिक्की हमारी बहुत ही टेस्टी फ्रेंड्स बन के तैयार होंगी। तो पहले इसे हम मीडियम फ्लेम पे कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लिए और इसको भून लेते हैं। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी, जिससे चिक्की आपकी बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार होगी। और इस मकर संक्रांति आप जरूर बनाएं, अपनी फैमिली फ्रेंड्स को खिलाएं, और इतनी सॉफ्ट फ्रेंड्स बनेगी कि बच्चे हो बड़े बुजुर्ग सभी खा लेंगे। तो इसको कंटिन्यू चलाते हुए हम भून लेते हैं। ये हल्की हल्की फ्रेंड्स चलाते हुए इसे भून रही है, चटक रही है। आप चाहे तो मार्केट में भूने हुए मूंगफली मिलती है, उसे भी आप चिक्की बना सकते हैं। इसे हमने गुड़ पट्टी कहते हैं, इसे बचपन में हमने बहुत खाया है, और ये हमारी माँ दादी बहुत ही टेस्टी बनाती थी चूल्हे पे। आप इसे आपको चलाते हुए अच्छे से भून लेना है। मूंगफली जितनी अच्छी भूनेंगी उतनी सोंधी सोंधी आपकी चिक्की बन के तैयार होगी। ये देखिए, ये चटक रही है, और इसे हम कंटिन्यू चलाते हुए फ्रेंड्स भून रहे हैं। फ्रेंड्स, इसमें सोंधी सोंधी सी खुशबू आ रही है, और ये बहुत अच्छे से भून गए हैं। अब इसकी पहचान भी फ्रेंड्स हम दिखा देते हैं। जो इसके छिलके हैं वो बिल्कुल इजीली छूट जाते हैं जब अच्छे से भून जाते हैं। तो अब गैस को हम स्लो कर देंगे और इनको हम निकाल देते हैं एक थाली में, और इसी तरह हमारा दूसरे बैच को भी मूंगफली को भून करके तैयार कर लेते हैं चिक्की के लिए। तो ये भून लेंगे सेम प्रोसेस है। दूसरा बैच भी फ्रेंड्स भून गया है, गैस को ऑफ करती हूँ, और उसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसके छिलके को कैसे निकालना है फ्रेंड्स, जो बहुत इजी तरीके से आप निकाल लेंगे। तो इसके लिए हमने ले लिया है टॉवल। टॉवल पे हम सारे मूंगफली जो भुने हुए हैं इसको निकाल देते हैं, और इसका एक तरफ से ये पकड़ के हम, अभी गर्म है फ्रेंड्स, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो बहुत इजीली इसके सारे छिलके मूंगफली के निकल जाएंगे। और इस तरह आप मल दीजिए इसे, तो देखिए ये सारे छिलके निकल रहे हैं। एक ये भी तरीका है फ्रेंड्स कि आप एक ले लीजिए कटोरी, और इसके बैक साइड से आप इसे इस तरह हल्का हल्का क्रश करेंगे, तब ये जो मूंगफली है ये इसके 2 भाग हो जाएंगे, और इसके छिलके भी बहुत इजीली निकल जाएंगे। तो आप इस तरह भी आप कर सकती हैं। हमने इसे अच्छे से छिलके निकाल लिए हैं, अब इसे हम छान लेते हैं इसमें, और जो भी इसमें रह जाएंगे छिलके एक बार और इसे हम छान लेंगे। और इस तरह सारे हम मूंगफली को इसके सारे छिलके को निकाल ले रहे हैं। जो लास्ट में है फ्रेंड्स, उसको हम इस तरह फटक देंगे और सारे जो है इसके छिलके निकल जाएंगे। इसको आगे करके इसके सारे छिलके को हम निकाल देंगे। इसको 1 से 2 बार इसी प्रोसेस से करेंगे तो ये सारे छिलके इसके निकल जाएंगे मूंगफली के। ये देखिए निकल गई है सारे छिलके, और ये देखिए ये इसको भी हमने निकाल लिया है।
अब इसमें दो छिलके और हैं फ्रेंड्स, इसको भी हम हाथ की हेल्प से ऐसे दबा के निकाल लेंगे और इसके भी छिलके को निकाल के बिल्कुल क्लीन कर देंगे। अब चलते हैं चिक्की बनाने की प्रोसेस की ओर। गुड़ की चाशनी बनाने के लिए हमने कढ़ाई को गर्म कर लिया। इसमें हम बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे, 2 से 3 चम्मच, और इसमें हम डाल देंगे गुड़ जिसे हमने नाइफ की हेल्प से इसे कट कर लिए हैं ताकि ये मेल्ट होने में आसानी रहे। ये बहुत सॉफ्ट गुड़ आते हैं चक्के वाले, जिससे चिक्की बहुत ही टेस्टी बनती है। ये खिची खिची वाली चिक्की नहीं बनती अगर इस गुड़ से आप बनाएंगे तो। गुड़ के ऊपर भी डिपेंड होता है, कभी कभी गुड़ सही नहीं मिलते हैं तब भी आपकी चिक्की सही नहीं बनती है। तो आप जब भी मार्केट से गुड़ लें, ये चिक्की वाले गुड़ लें, इससे बहुत ही अच्छा आपका जो है चिक्की बन के तैयार होगा। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पे इसे धीरे धीरे मेल्ट होने देते हैं। 1 किलो हमने लिया था मूंगफली, 1 किलो हम गुड़ भी लिए हैं, जिससे इस रेशियो से आप परफेक्ट मार्केट की तरह आप चिक्की बना लेंगी। आप चाहे तो मीठा कम करना चाहती हैं तो इसमें 750 ग्राम आप गुड़ ऐड कर सकती हैं। ये देखिए धीरे धीरे ये मेल्ट हो रहा है। तो गुड़ फ्रेंड अच्छे से मेल्ट हो रहा है और देखिए कितना अच्छा इसका कलर है। अब ये बबल्स भी छोड़ रहे हैं। अब इसको हम कंटिन्यू चलाते हुए फ्रेंड्स इसको चेक कर रहे हैं। तो हमने कटोरी में ले लिए हैं थोड़ा सा पानी ये। अब इसमें हम 1-2 ड्रॉप गुड़ दिखा के चेक कर लेते हैं। इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे फ्रेंड्स, जिससे हमें चाशनी कैसी बनानी है वो परफेक्ट पता चल जाएगी। तो ये थोड़ा ठंडा हो गया है फ्रेंड्स, ये देखिए। लेकिन अभी ये चिक्की के लिए तैयार नहीं है, ये भी सॉफ्ट है। अगर यदि थोड़ी कड़ी हो जाएगी और टूटने लगेगी तब समझिएगा कि इसकी चाशनी परफेक्ट है चिक्की के लिए। तो अभी हम इसे और भी पका लेते हैं। और इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू फ्रेंड्स आ रही है पूरे किचन में, सौंधी सौंधी सी खुशबू गुड़ की। और ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर है। आप अगर चिक्की के लिए गुड़ ले तो बिल्कुल अलग से आता है। आप शॉप पे अगर मांगेंगी कि हमें गुड़ की पत्ती बनानी है तो वो अलग से गुड़ आता है जो हम लोग खाते हैं, वो गुड़ से फ्रेंड्स नहीं बन पाते हैं, वो खींचे खींचे से बन जाते हैं। आप इस तरह गुड़ से बनाएंगे तो बहुत ही परफेक्ट आपकी गुड़ की चिक्की बन के तैयार होगी। तब तक हम ट्रे में थाली या ट्रे में आप हमने ले लिया एक ट्रे, इसमें हम घी लगा लेंगे क्योंकि इसमें हम चिक्की सेट करें तो अच्छे से सेट हो जाए। इसमें हम ले लिए थोड़ा सा देसी घी। आप कोई भी ऑयल, इसमें रिफाइंड ऑयल लगा सकते हैं या वनस्पति घी, इसको लगा के और जिस थाली या ट्रे में सेट करना है उसमें आप चिक्की को सेट कर ले। तो ये काम फटाफट करना है फ्रेंड, जब तक हमारे गुड़ की चाशनी बन रही है तब तक इधर मैं ये भी कर लेती हूँ। और एक हम थाली ले लिए फ्रेंड, उसको भी हम घी से ग्रीस कर लेंगे। अब यही फ्रेंड्स हम 1 चम्मच इसमें देसी घी ऐड कर देते हैं, जिससे ये चिक्की का टेस्ट भी अच्छा आता है और टेक्सचर भी बहुत ही बढ़िया रहता है। इसको हम इसमें मिक्स कर लेंगे। एक बार और हम चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स ये चाशनी बनी है कि नहीं। ये ड्राप हम डाल देते हैं, अब इसको ठंडा हो जाएगा तो हम चेक कर लेते हैं। चेक कर रहे हैं फ्रेंड्स, अब इसमें हम डाल ले रहे हैं पानी में, इसको ठंडा करके हम चेक कर लेंगे कि इसके चाशनी बने हैं कि नहीं परफेक्ट चिक्की के लिए। देखिए ये चिक्की के लिए बिल्कुल परफेक्ट बन गए हैं फ्रेंड्स। ये टूट रहे हैं, ये देखिए बिल्कुल ये खट से में टूट जा रहे हैं। ये हमारे चिक्की के लिए एकदम परफेक्ट बन गए हैं। अब हम गैस को ऑफ करेंगे। यही हम यहाँ 1 टीस्पून डाल लेते हैं खाने वाला सोडा। गैस को हमने ऑफ कर लिया है।
एक किलो गुड़ है फ्रेंड्स, इसमें एक टीस्पून हम सोडा डाल देंगे और इन्हें अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मूंगफली को डाल लेंगे और उनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। काफी गर्म है फ्रेंड्स, इसको बहुत ही सावधानी से गुड़ को मिलाना है। सारे इसके जो चिक्की है उसको हम डाल देते हैं। देखिए ये जमने की तरफ है तो इसको हम ट्रे में निकाल लेते हैं। अब इसको हम ट्रे में सेट कर ले रहे हैं फ्रेंड्स, तो हम आपको दिखाते हैं। हमने इसे फ्रेंड्स सेट कर लिया है, इसमें स्पैचुला में घी लगा के तो बहुत ही अच्छे से ये देखिए सेट हो गया है। और हम थाली में भी फ्रेंड्स लगा के देखे हैं, दिखा रहे हैं आपको। एक थाली में भी हमने इसको चिक्की को जमा लिए हैं। अब ये सीमी गर्म होगा तब इस पर हम कट के निशान लगा लेंगे, जिससे हमें इस चिक्की को निकालने में आसानी रहेगी। फ्रेंड्स ये जम गए हैं और ठंडे भी हो गए हैं, इसमें हम कट मार्क नहीं लगा पाए हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं। इस तरह आप कोई भी पलटा ले ले और इसको चारों तरफ से हल्का वो कर ले तो देखिए ये बहुत इजीली फ्रेंड्स निकल गए हैं। ये देखिए आगे और पीछे से। अब इसको हम तोड़ लेंगे, ये बहुत ही आराम से टूट भी जाएगा फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरह देखिए सारे पट्टी फ्रेंड्स बन गए हैं चिक्की, और कितना अच्छा बना है, बिल्कुल मार्केट की तरह। और इसमें हम लगा लिए हैं कट मार्क, वो हमने वीडियो स्किप हो गया फ्रेंड। तो इसे अगर आपके चिक्की नहीं निकल रहे हैं तो वो भी आपके सोल्यूशन है। इसे हम हल्का गैस पे गर्म कर देंगे और ये इजिली बाहर आ जाएंगे, तो हम आपको वो भी करके दिखा दे रहे हैं। इसको हल्का हल्का हम गर्म कर लेंगे ताकि नीचे से चिक्की जो है अच्छे से छूट जाए। इसको हम चारों तरफ से घुमाते हुए गर्म कर देंगे और इसको भी मैं आपको निकाल के दिखा दे रही हूँ। इस चिक्की को भी हम निकाल लेंगे, तो इसको हम बीच से ही फ्रंट निकालेंगे, किनारे जगह नहीं है तो इसको हम बीच से ही निकाल लेंगे। और ये देखिए इजली एकदम हल्का इसको गर्म कर दिए हैं तो चिक्की निकल रही है। देखिए फ्रेंड्स ये भी चिक्की आराम से निकल गई है, इसको हमने थोड़ा गर्म कर दिए थे तो चिक्की बिल्कुल अच्छे से निकल गई है। इसी तरह आप अगर चिक्की बनाएंगे तो आपकी बहुत ही टेस्टी चिक्की बनके तैयार होगी, और अपनी फैमिली में जरूर बनाएं, अपने फ्रेंड्स को खिलाएं। अगर फ्रेंड्स मेरी रेसिपी आई हो आपको पसंद, गुड़ और मूंगफली की चिक्की, तो प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपकी चिक्की कैसी बनी। जो मेरे चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको जो भी रेसिपी की नोटिफिकेशन है इजिली मिलते रहें। फिर मिलती हूँ मैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।